हेलो किड्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांतिपुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपकी ईवीएस की क्लास है। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है, अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग रिवीजन करना शुरू करते हैं। आज रिवीजन में हम करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कराया था, पढ़ाया भी था, समझाया भी था, आज मैं आपको फिर से रिवीजन करवाती हूँ। आपको इस तरह से पिक्चर्स दिया हुआ है और पिक्चर का क्या एरो बने हैं, आपको बताना है इस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये क्या बना हुआ है बच्चों, ये क्या है, ये है फ्लावर। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। ऑल राइट, फिर देखिए एक एरो यहाँ बना है, तो ये एरो क्या बता रहा है बच्चों, ये क्या है, लीफ, यानी कि पेड़ की पत्ती। तो आप लिख देंगे एल ई ए एफ, लीफ। ऑल राइट, आप बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में और स्पेलिंग करेक्ट कीजिएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए ये इसका क्या बना हुआ है, प्लांट का फ्रूट बना है, फ्रूट है ना ये। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रूट, एफ आर यू आई टी, फ्रूट। ऑल राइट, उसके बाद देखिए ये एरो किस पे बना हुआ है, ये इस पे बना हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो मोटा वाला होता है पेड़ का, इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्टेम। तो आप यहाँ लिख देंगे एस टी ई एम, स्टेम। ऑल राइट, फिर ये एरो देखिए किस पे शो कर रहा है, ये यहाँ से निकल के स्टेम में से एक निकल रही है, उसके बाद पत्तियाँ लग रही हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांचेस। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, ब्रांचेस, बी आर ए एन सी एच ई एस, ब्रांचेस। ऑल राइट, और ये अंदर का पार्ट जो जमीन के अंदर रहता है, ये जो फैली जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, रूट्स, यानी कि जड़ें। तो आप लिख देंगे रूट्स, आर डबल ओ टी एस, रूट्स। तो हमारे पार्ट्स कितने हो गए, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट्स। ऑल राइट, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और स्पेलिंग भी करेक्ट कीजिएगा। उसके अलावा देखिए बच्चों, मैं आपको और रिवीजन करवा देती हूँ। आज हमने नेशनल, जो मैंने आपको समझाए थे नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, उनके बारे में है। तो ये है फिल द ब्लैंक्स, और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आर नेशनल बर्ड इज। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, यानी कि पिकॉक। तो हम यहाँ लिख देंगे पिकॉक, पी ई ए सी ओ सी के, पिकॉक। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, आर नेशनल फ्लावर इज, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, लोटस, यानी कि कमल। तो एल ओ टी यू एस, लोटस। ऑलराइट, नेक्स्ट, आर नेशनल गेम्स इज, आपको सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए, आपको सेंटेंस जोड़ जोड़ के, वर्ड को जोड़ के आप समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपको खुद से करना है। तो आर नेशनल गेम इज, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। तो हॉकी लिखेंगे एच ओ सी के ई वाई, हॉकी। ऑलराइट, नेक्स्ट, आर नेशनल एनिमल इज, हमारा राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, टाइगर। तो टाइगर कैसे लिखेंगे, टी आई जी ई आर, टाइगर। एंड लास्ट में है, आर नेशनल फ्लैग इज, हमारे यहाँ राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। तो आप लिखेंगे तिरंगा, यानी कि वो ट्राई कलर का होता है ना, इसीलिए तिरंगा की स्पेलिंग है टी आई आर ए एन जी ए, तिरंगा। ऑल राइट, तो एक बार फिर से कर ली थी, आर नेशनल बर्ड इज पिकॉक, आर नेशनल फ्लावर इज लोटस, आर नेशनल गेम इज हॉकी, आर नेशनल एनिमल इज टाइगर, आर नेशनल फ्लैग इज तिरंगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आगे समझ में आपको, आपको स्पेलिंग बहुत अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, आप स्पेलिंग करेक्ट लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।